बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम चिकन विंग्स बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए ये मैंने सबसे पहले विंग्स लिए हैं, इसको धो के अच्छे तरीके से ये इसमें रखने लगी हूँ। ये आधा किलो से ज्यादा है विंग्स। इसके बाद थोड़ा सा इसमें सिरका ऐड करेंगे, तकरीबन 2-4 टेबलस्पून, और थोड़ी सी सोया सॉस 3-4 टेबलस्पून। और ये 1 टीस्पून रेड मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, और 1/2 टीस्पून ये सॉल्ट है, और 1/2 टीस्पून ये लहसुन पाउडर है, ये इसमें ऐड करेंगे। और अब इस सबको ना अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हाथों के साथ। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ढक के, उसके बाद बनाएंगे। ये मैंने मैदा छान के डाला है, और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है, और 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर डाली, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया है। अब ये जो मैरिनेट करके विंग्स रखे थे, ये मैंने निकाल लिए हैं फ्रिज से, अब इनको इसकी कोटिंग करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मैदे में डिप करेंगे। कोटिंग हो गई है, अब फिर झाड़ झाड़ के इसमें रखते जाएंगे। इसके बाद ये नॉर्मल पानी है जो यूज होता है, इसमें डिप करेंगे 1 मिनट के लिए, फिर इसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद फिर इसमें डालेंगे। एक दो मिनट इसको इसमें करके, सारा कोटिंग करके, तो ये बाहर निकाल लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें इसको डाल देंगे, और दरमियानी हीट पे मीडियम। और 2 मिनट तक इसी तरह इसको, ये हमारे फ्राई हो रहे हैं, ये तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे विंग्स पाने तैयार हो गए हैं, निकालते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। ये मैंने कुछ स्ट्रिप्स को मसाला लगा के रखा था, अब इसको मैंने फ्राई करना है, कर रही हूं। चिकन स्टिक्स, चिकन लेके ब्रेस्ट और इसकी लंबी लंबी सी काट के और मैरिनेशन करके इसको भी साथ रखा था, और ये अब बन रही है। ये स्टिक्स हमारी तैयार हो गई हैं, ये हम बाहर निकालने लगे। देखिए
अब जो काया रह गया विंग्स वो भी मैं तैयार करने लगी हूँ। ये हमारे हो गए हैं, अब इसको बाहर निकालते हैं। ये देखें आप, ये ठंडा हो गया, इसको मैं दिखाती हूँ आपको तोड़ के, जूसी एंड क्रिस्पी। और इसको भी मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये भी, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट एंड क्रिस्पी। ये देखें, ये जो पकाया रह गए थे वो भी मैंने सारे बना लिए, अब इसको प्लेट में डालने लगी हूँ। बहुत ही मजेदार,